जस्ट क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकॉन। हे गाइस, दिस इज टेक्निकल लकड़ी। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले कैसे आप पिक्सेल ब्लर इस एप्लीकेशन को यूज करके अपने किसी भी फोटो को एक अच्छा ब्लर इफेक्ट दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे फोटो को एडिट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पे जस्ट स्किप कर सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से ये दोनों ऑप्शन यहाँ मेन इम्पोर्टेंट है। एक तो है क्विक ब्लर का, देन सेकंड है पॉइंट ब्लर का। तो वन बाय वन हम ये ऑप्शन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्विक ब्लर को। ऊपर की आइकॉन से आप यहाँ पे फोटो को ऐड कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल यही इसी फोटो को आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। आपको नीचे थ्री टाइप मिलते हैं। फर्स्ट है सर्कुलर, देन है लीनियर एंड थर्ड है ब्लर टाइप का। तो सर्कुलर में आपको कुछ इस तरह का सर्कल मिलता है जिससे आपके फोटो को फोकस में रख सकते हैं। तो इस पॉइंटर को आप जहाँ चाहिए यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। देन आप इसके अंदर की इंटेंसिटी, ब्लर की इंटेंसिटी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। देन हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन है लीनियर का। लीनियर में पूरा ये आपका पूरी लाइन वो वहाँ पे फोकस में रहती है और बाकी का फोटो ब्लर में रहता है। आप चाहे तो इसे रोटेट भी यहाँ पे कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये लीनियर का ऑप्शन भी काफी अच्छा है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड ऑप्शन है ब्लर टाइप का। अब इसमें आपको जैसा ब्लर चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टाइप के ब्लर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप सभी यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको ऊपर ये फोटो यहाँ पे सेव करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन पॉइंट ब्लर। तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा आपको पहले वाले से अलग मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे फर्स्ट टैब है ब्लरनेस का। ब्लरनेस की इंटेंसिटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे है ब्रश साइज, ब्रश की साइज क्या होनी चाहिए, ब्रश की साइज की थिकनेस क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। देन आप नीचे के टैब से यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था, बट मैं यही फोटो रहने देने वाला हूँ। देन नीचे आपको फिर से ये तीन टाइप मिलते हैं। पहला है क्लियर, सेकंड है ब्लर एंड थर्ड है मूव का। तो फर्स्ट में आपको जो एरिया आपको फोकस में रखना है उसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे ब्लर की ब्रश की साइज थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और फोटो को थोड़ा फोकस में लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देखकर आप इसे अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। देन आपको बाद में लगे जब आपको कोई हिस्सा आपको ब्लर में ही रखना था, उसे आपको फोकस में नहीं लाना था, बट गलती से आपसे वो फोकस में आ गया, तो आप नीचे के इस सेकंड ब्लर ऑप्शन में जाके उसे फिर से ब्लर में डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिर से ब्लर हो रहा है। ओके, तो हमारा फोटो यहाँ पे लगभग ओके हो चुका है, एडिट हो चुका है। तो लास्ट में आप इसे सेव कर दीजिए। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।